हेलो, राम राम मेरे प्यारे साथियों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। भाई अब सुबह के बज रहे हैं भाई, ये मान के चलो जो है 8, और अभी अभी हम घर से निकले हैं। पहली बात तो भाई सभी भाइयों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, सारे लोगों को भाइयों। अब यहां से सीधा हम भाई जा रहे अपने दोस्त के पास। तो कारण ये है कि जैसे कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, हमारी बैटरी जो है प्रॉब्लम कर रही है। सुबह की बुकिंग लगी हुई थी लेकिन वो बुकिंग दोस्त को देनी पड़ी, क्योंकि सुबह जब हम 4 बजे उठ के सेल्फ मारे तो भाई गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। आयरन फाइनल में अपने दोस्त को बुकिंग दे दी अपनी वाली, क्योंकि धक्का प्लेट भाई काम चलता नहीं, कब तक धक्के से काम चलेगा, है ना। बहुत ज्यादा जो है घाटा होता उसमें, और बेइज्जती भी होती यार, लोग पैसा देते हैं कि तुम्हारी गाड़ी धक्का लगाएंगे, तो कुछ इस तरह का हिसाब किताब है भाई। अब जा रहे हैं ईश्वरीगंज, हमारा दोस्त रहता है, उससे हमने बोला तो बोला ठीक है भैया आ जाओ, अगर हमारी गाड़ी की बैटरी लगे तो लेना। हालांकि पेट्रोल गाड़ी उसकी भी है इटोस, और हमारी गाड़ी है इटियोस उसकी है, हमारी है स्विफ्ट डिजायर टूर, पेट्रोल हमारी भी पेट्रोल उसकी भी है। मिस्त्री साहब से बात की, मिस्त्री साहब बोले कि भाई पेट्रोल तुम्हारी भी है पेट्रोल उसकी भी है, तो इसलिए लग जाएगी बैटरी, जाके देख लो। तो भाई कोई रिंच वगैरह तो है नहीं, राहुल घर पे उधर अकेला है और हम इधर भाई अकेले ही जा रहे हैं। रेंज के नाम पे ये लिए जा रहे हैं भाई, इसी में सारा कुछ है, सारी रेंचे आप देख सकते हो, बहुत सारी हैं इसमें। तो अब जाएंगे और भाई अगर जो बैटरी लग जाती है तो गुड भाई, और नहीं लगती है तो बैड भाई, फिर किराए पे भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो जहाँ से हमने परचेज की थी बैटरी उसकी वारंटी 30 महीने गारंटी है और प्लस 25 महीने उसके बाद वारंटी है, तो 55 महीने की थी, अभी 12 महीने मात्र हुए हैं। कल उसकी दुकान शॉप बंद थी, आज 15 अगस्त है इसलिए और बंद है। अब कल बुलाया है उसने, तो भाई कल जाएंगे देखेंगे इसमें क्या हो सकता है, चेक वगैरह वो करेगा, जो भी होगा बताएंगे। अभी तो फिलहाल चलते अपने दोस्त के पास, बैटरी का पहले काम कराते हैं, गाड़ी ओके कराते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। तो बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में। जो भी हमारे भाई हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है भाइयों, देर न करते हुए सीधा चलते हैं अपने दोस्त के पास। बता दें आ गए अपने इंदिरा नगर में, दोस्त की बैटरी ली थी, इटोइस की निकलवाई थी भाई, एमरॉन की बैटरी उसके भी लगी थी। ये देखो हमने डिग्गी में अपनी बैटरी रख रखी है, कल जब दुकान खुलेगी तो ये जाएगी, जो इसको चेक करेगा उसके बाद गारंटी वारंटी बताएगा। ये देखो नक्के वगैरह कल हमने साफ कराए थे, ग्रीस वगैरह भी लगवाई थी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। ये देखो, तो हम आ चुके हैं अपने अड्डे पे, लेकिन अभी हमारा कोई साथी पहुंचा नहीं है, सब के सब भाई 15 अगस्त मना रहे हैं, कोई भी यहाँ नहीं आया है। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है भाई, और हम भी यहीं बैठ के करेंगे बुकिंग का इंतजार, जब कोई बुकिंग आ जाएगी तब यहाँ से निकलेंगे। देखते हैं कितनी देर बाद आती है भी कि नहीं आती है, क्योंकि छुट्टी का दिन है आज, बहुत कम लोग निकलेंगे, जिनको कि बहुत जरूरी काम होगा वही लोग घर से बाहर निकलेंगे, लेकिन फिर भी जाने वाले 10% तो रहेंगे ही, शायद 10% में से अपना नंबर आ जाए, क्योंकि महीने के 300 दिन काम करने वाले हम लोग बंदे हैं, घर पर रह के भी क्या करेंगे, है ना भाई। बैटरी वगैरह बदलवा के गए, फटाफट नहाए धोए खाए पिए निकल आए हैं, अब बज रहे हैं जो है 10:30 बजे आ गए हैं। अब देखते हैं ओला देता है कि उबर देता है, कौन सी बुकिंग देगा कंपनी। हालांकि ओला में लोकल की बज रही थी भाई, पिकअप भी कल्याणपुर और ड्रॉप भी कल्याणपुर, तो उसमें क्या ही किया जा सकता है। हालांकि हमने प्राइम की लोकल की सेडान की खोल रखी ओला में राइड, और उबर जो है आएगी नहीं हमारी, आएगी तो इंटरसिटी बाहर की आएगी, तो देखते हैं। अब देखो बैटरी निकालने के बाद हमारा सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया है, 0 किया था, 7 किलोमीटर गाड़ी चली, टाइम देखो कैसे चेंज हो गया है, और टाइम की सेटिंग एक वीडियो हमने बताया ही था आप लोगों को, तो अभी टाइम की सेटिंग को हम लोग करते हैं सही भाई, उसके बाद जो है फिर कहीं की बुकिंग आएगी तब जाएंगे। हाँ तो भाई पहली राइड ला के हमने छोड़ दी है, जो कि नौशील धाम से पिकअप था और ड्रॉप था कानपुर एयरपोर्ट चकेरी, अपना दूरी थी वही लगभग 26 किलोमीटर और समय लगा लगभग जो है 40 मिनट। अभी 12 बज रहे हैं देख लो, और हम यही चकेरी पे हैं। ये देखो इसको भी इंडियन के उसमें जो है, आज 15 अगस्त है इसलिए यहाँ पे गुब्बारे वगैरह लगा रखे हैं, और ये फुहारे वगैरह भी देखो चालू कर रखे हैं,
इधर चल रहा है, एक उधर चल रहा है, जिस तरह का है एकदम चपका चपका गाड़ी खड़ी कर रखी भाई। ना गाड़ी अपने आगे जा सकती है और ना ही पीछे जा सकती है, वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर क्योंकि इन लोग पता नहीं देखो कैसे निकालते हैं बोनट पर नदई मारे। चलो खैर कोई बात नहीं, निकाल लिया अच्छे से, गाड़ी आगे बढ़ाए तो हम भी बढ़ाएं भाई। अब यहीं पे खड़े होकर थोड़ा वेट करेंगे, हालांकि फ्लाइट अभी नहीं है, अभी बज रहे हैं 12, फ्लाइट आएगी 1 बजे के बाद में। देखो आज 15 अगस्त है तो प्रॉपर फवारे वगैरह इन्होंने चालू कर रखे हैं, नहीं तो जो है बंद कर रखे होते। देखो अब सीधा चलते हैं बाहर की तरफ, उसके बाद देखते हैं कहीं की बुकिंग आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो रामा देवी की तरफ निकल जाएंगे क्योंकि आज शहर में पूरा सन्नाटा है भाई। सब लोग 15 अगस्त मना रहे हैं, झंडारोहण कर रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, बांट रहे हैं और भाई हम तो अपना काम पे निकले, जैसा कि आपको पता ही होगा हम तो महीने के 300 दिन काम करने वाले आदमी हैं। हाँ जब इमरजेंसी आ जाती तभी काम नहीं करते हैं, जब कभी बहुत जरूरी काम हो तभी नहीं करते हैं, नहीं तो काम भी अपना चलता रहता है और अपने घर के भी काम चलते रहते हैं, कुछ इस तरह का है अपना हिसाब किताब भाई। 15 अगस्त भी सुबह सुबह मना लिया, गाड़ी भी अपनी बैटरी दोस्ती लेके अपना ओके करा ली, बस जुगाड़ से काम चल रहा है। अब यहाँ पे भाई साहब देखो पर्ची काट रहे हैं, हालांकि हम लोग घर पर्ची नहीं पड़ती, हम लोग टैक्सी वाले हैं, पिकअप करके आते हैं तभी इन लोगों को पैसा देते हैं। यहाँ से देखो भाई हमारा कानपुर एयरपोर्ट कितना छोटा सा लग रहा है, वो है भी छोटा सा यार, इतने दिनों बाद बनाया था तो बड़ा एयरपोर्ट बनाते यार, बस लॉलीपॉप दे दिया कानपुर को एयरपोर्ट के नाम पे, बकाया और है कुछ भी नहीं भाई। अब चलते हैं, यहाँ से गेट है बाहर वाला, यहीं से निकालते हैं, खड़े होते हैं वेट करते हैं देखते हैं फिर। तो भैया इस समय हम फतेहपुर में, ये देखो आप देख सकते हो प्राइवेट बुकिंग में आए थे भाई, 2000 रुपए इनसे लिए हैं, ये किंकर TVS है, हालांकि आज बंद है, नवीन मार्केट तथरकटा चौराहा। तो भाई ये जा रहे हैं, आपको हम बता दें 2000 रुपए में राइड लिए थे, टोल लिंक से नहीं लिए थे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं भाई और ये बाहर से कमा के आए हुए थे, हमको इनको डॉलर भी हमको दिया है ये भाई, आपको दिखाते हैं, ये तो है पेमेंट, आपको हम डॉलर दिखाते हैं, इन्होंने ये जो डॉलर दिया है भाई, हालांकि हमारा ऐसा काम नहीं है लेकिन चलो दिया है प्यार से भाई इसलिए रख लिया, अच्छा लगा, बहुत अच्छे व्यक्ति थे भाई। हमको एक ये राजस्थानी मिठाई शॉप की दुकान यहाँ पड़ती है भाई, यहाँ के बहुत फेमस है, बहुत अच्छी मिठाई है, टेस्ट भी कराया भाई, खिलाया भी एक एक पीस, वो आधा किलो भाई पैक करा के भी दिया कि भैया आप बच्चों को ले जाइएगा। हमने कहा यार ऐसे कस्टमर तो बहुत कम मिलते हैं यार, सालों में एक बार मिलते हैं, तो तय हुआ था हमारा इनका बस स्टाफ का, लेकिन फिर हम घर तक छोड़ने गए क्योंकि यार ये दरिया दिली दिखा रहे हैं तो हम अपने हिसाब से थोड़ी तो दिखा ही सकते हैं दरिया दिली हम भी, क्योंकि हम भी यार किसी दूसरे की तो नौकरी कर नहीं रहे हैं, अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो भाई इसलिए हमने भी इनकी मदद की, इनको एकदम घर तक जाके छोड़े। ये बिंद की बस स्टैंड है फतेहपुर, अब भाई गूगल मैप पे लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कानपुर के लिए किधर से रास्ता है। ठीक है भाई मिलते हैं फिर कुछ देर बाद। तो ये भाई मलवा औद्योगिक नगरी, ये देखो हाईवे, और देखो 80 पे अपनी गाड़ी चल रही, 80 पे देखो ट्रक वाला भगा रहा है, देख लो मुझे इस तरह का है भाई, ट्रक वाले भी किसी से कम नहीं है, 80-100 झोंके हैं। तो भाई कस्टमर को ड्रॉप कर दिए हैं, सवारी वारी के चक्कर में पड़े नहीं थे, हमने कहा सीधे निकल चलो कानपुर, अगर ढंग की बुकिंग मिल जाएगी तो ठीक है, सवारी भी यहाँ मिलती ना मिलती, मिलती भी तो 100-150 वाली, पता नहीं कैसे क्या सिस्टम है, तो हमने सवारी का जो है वेट नहीं किया और तो खाली गाड़ी लेके देखो भाई पूरी निकल ली है हाईवे पे। वो हाईवे तो भाई सभी ड्राइवरों को पता होगा, इलाहाबाद कानपुर बेस्ट हाईवे बना रखा है भाई, सर्विस लेन भी देखो कितनी जबरदस्त है, मतलब 6 लाइन है यहाँ पे भाई, कहीं कहीं पे 4 लेन भी है और ज्यादातर तो 6 लेन है भाई। तो भाई बुकिंग में आ गया मजा, कहने का मतलब ये है कि मजा ऐसे आ गया कि अच्छा कस्टमर था भाई, आपको बता ही दिया मिठाई हमारे पीछे हमने डिग्गी में रख दी, हमने कहा दूसरा कस्टमर बैठेगा तो अच्छा नहीं लगता अंदर रखे हुए, तो डिग्गी में डाल दिया है, वहीं पर रखी अपनी बैटरी डिग्गी में ही। तो अब सीधा चल रहे हैं अपने कानपुर की तरफ, वहीं रामा देवी में अपनी डिवाइस ऑन करेंगे, ड्यूटी ऑन हो गई, डिवाइस का मतलब ड्यूटी ऑन करेंगे,
और फिर करेंगे वेट किसी ढंग की बुकिंग आ जाने का। लोकल की प्राइम में खोल रखेंगे और आउट स्टेशन। अगर प्राइम की बुकिंग कल्याणपुर की साइड की आएगी तब तो एक्सेप्ट करेंगे, कल्याणपुर, स्वरूप नगर, रावतपुर, गुरुदेव पैलेस इस एरिया की। बर्रा वर्रा की आएगी, नवस्था की आएगी तो भाई पास कर देंगे। ये हम प्लानिंग बता रहा है, इसे हमने सोच रखा है। तो आउट स्टेशन कहीं की भी आए भाई लेके चले आए, क्योंकि अभी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ। देख लो 4 नहीं बजा है भाई, ये देख लो अभी 4 नहीं बजा। ये अपना सीएनजी पेट्रोल जो गाड़ी चल रही, इससे ऊपर हमने भागती नहीं, मतलब भगाते नहीं, भागती तो है भाई हमारी गाड़ी। सबको बता दें टूरिस्ट सीएनजी गाड़ी हमारी 2020 मॉडल। लोग बताते हमारी भागती नहीं भाई, लेकिन हमारी फुल भागती जितना भगा पाओ। अभी एक दोस्त को साथ में हम लोग गए थे दर्शन करने एमपी दतिया माई के, तो भाई वहाँ 140 पे उसने भगाया था। हमारे में प्लग है, निकाल देते तो फुल स्पीड में गाड़ी भागती है, लेकिन बहुत सी गाड़ियां नहीं भागती है भाई। जरूरी नहीं कि आपकी गाड़ी भागे वो क्लिप निकालने से, वैसे निकालते हम भी कभी नहीं, लेकिन दोस्त बोला नहीं यार हमें जल्दी है, तो हमने कहा भाई निकाल लो भगा लो, खुद ही चला रहा था वो, हम तो आराम से बैठे हुए थे। तो ठीक है भाई, अब कानपुर देखो 64 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ। चलो मालिस्टोन तो निकल गया, कोई बात नहीं। तो भाई अब सीधा चलते हैं अपने रामा देवी, वहीं से डिवाइस करेंगे यार, कोई काम आता है तो फिर बताते हैं आप लोगों को भाई। हाँ तो भाई बता दें, आज आप अपना काम मस्त हो चुका है। सुबह लेट निकले थे, गाड़ी भी प्रॉब्लम कर रही थी, उसके बावजूद भाई किस्मत इतनी अच्छी थी कि बढ़िया काम हुआ। हुआ यो स्टेप टू स्टेप बताते हैं भाई। इंदिरा नगर में अड्डे पे खड़े थे, नौसील धाम से पहला पिकअप था, कानपुर एयरपोर्ट छोड़ना था भाई, छोड़ दिया। उसके बाद 1 घंटा वेट किया, क्योंकि फ्लाइट ही 1 बजे आती है हमारे यहाँ पहली फ्लाइट। तो भाई वो फ्लाइट आई और उसमें हमारी बुकिंग नहीं बजी, और जो हम लेके गए थे वो तो हम बता ही चुके हैं पहले ही आपको कि 400 कुछ रुपए हमको मिले थे इधर से, जो कि अच्छा फेयर था। उसके बाद जब बजी नहीं तो पंकज का फोन आया, हम घर की तरफ, हम आने वाले थे रामा देवी की तरफ, तो पंकज बोला भाई मत आओ इधर, अभी एक फ्लाइट और आएगी 2 बजे दिल्ली वाली, उसका वेट कर लो, अब कोई ना कोई ढंग की बुकिंग बच जाएगी तुम्हारे मतलब की। तो हमने बोला ठीक है भाई, बहुत गर्मी थी वहीं भाई खड़े रहे। अब जो 1 बजे फ्लाइट आई थी भाई, उस वो बंदा हमारे सामने ही गया था ई रिक्शा से बार रोड तक, वहां भाई उसने उतार दिया, उसको जाना था फतेहपुर, बस ढूंढता रहा भाई, उसको बस नहीं मिली फतेहपुर की, गर्मी बहुत ज्यादा थी, वो परेशान हो गया। मैं निकला, मैंने बात की भाई, 2000 रुपए में प्राइवेट बुकिंग तैयार हो गई, गए ले जाके छोड़े, लौट के आए रामा देवी खड़े हुए भाई, फटाक से बज गई अपनी जो है स्वरूप नगर की, गोल्ड जिम पड़ता स्वरूप नगर में वहीं की, उस कस्टमर को भाई ड्रॉप किया, तुरंत बज गई जो हमारे यहाँ केडीए ग्रीन की, जो कि चिड़िया घर के बगल में पड़ता है। बस फिर क्या था भाई, फटाफट छोड़े और कस्टमर को जो है हिसाब किताब किए और सीधा घर की तरफ निकल चुके। इस समय मैनावती में, ये देखो भाई, अब आज की राइड का भाई हिसाब किताब बता दें, राइड तो गिनी चुनी की हमने, लेकिन फेयर हमारा जो है अच्छा बन गया है। हमने ऊबर में एक भी राइड नहीं की, ऊबर में आई हुई थी इंटरसिटी की अभी शाम को 6 बजे लखनऊ, अब भाई जाने से कोई मतलब था नहीं, तो 791 रुपए 3 बुकिंग भाई, ये देखो मात्र 3 बुकिंग की है, और 3 बुकिंग में ऑपरेटर 791, 800 रुपए मान लो भाई, और 2000 रुपए का हमने प्राइवेट काम किया था जो कि फतेहपुर लेके गए हुए थे। बहुत अच्छा कस्टमर, सज्जन कस्टमर था भाई, हमको ये नोट भी दिया था जो कि ऊपर लगा रखा है, आपको देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये देखो ठीक है भाई। और हमको भाई आधा किलो मिठाई अपने लिए पैक करा रहा था, तो हमारे लिए भी पैक करा दी कि भाई बच्चों के लिए लेते जाना, आज 15 अगस्त है। हमने कब बोला, वाह भाई ओला उबर में या प्राइवेट भी खराब कस्टमर मिलते हैं तो भाई अच्छे भी मिलते हैं, तो कुछ तरह का हिसाब किताब है। सुबह वाली बुकिंग छूटी गई थी, तो ये 800 रुपए ओला का काम किया है और 2000 रुपए प्राइवेट, तो 800 रुपए सीएनजी निकाल लेते हैं और 2000 रुपए रख लेते हैं जो है बचत के। आप लोग बोलोगे भैया खर्चा बहुत कम निकाला, भाई इसलिए निकाला क्योंकि बचत ही कम हुई है। अब गाड़ी ज्यादा इनकम होता तो भाई भरपूर हम फिर बचत निकालते हैं, तो कुछ इस तरह का हिसाब किताब भाई। देखो गाड़ी हमारी मात्र 222 किलोमीटर चली है, देख सकते हो, और घर पहुंचने वाले घर से जीरो किया था, और ये भाई सीएनजी पेट्रोल का अपना जो है मीटर है, तो कुछ इस तरह का हिसाब किताब है। तो ठीक है भाई, आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ओके, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ओके बाय।